हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लेखपाल की क्लास, और आज की क्लास हमारी जो है वो मैथ्स की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखो, लेखपाल के साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की CBT 1 का आपका रिजल्ट आ चुका है, और CBT 2 की भी एग्ज़ाम डेट्स तो आपको मेंशन मिल ही गई हैं। तो आपको जो है प्रिपरेशन उसी डेट के लिए करना है। ठीक है, जो आपको टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं उसी के लिए करना है। बाकी एग्ज़ाम आगे होता है नहीं होता है ये तो बाद की बात है, फिलहाल आप तैयारी करेंगे उस डेट के लिए। तो रेलवे से रिलेटेड भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CBT 2 की, तो उसके लिए भी मैथ्स के क्वेश्चन देखो, ये मैं करा रही हूँ जो आपकी आपका RS और RD से मिला के करवा रही हूँ, पूरा CBSE पैटर्न। ठीक है, तो आप इससे जो है रेलवे के क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपका इससे जो है CBT 2 की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी मैथ सेक्शन की। आज हम करने वाले हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक साइकिल है जिसे 1960 रुपये में खरीद कर ₹1862 में बेचे जाने पर कितना प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह सब साथ ही में आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे पहला देखो, 1960 में ख़रीदा गया है। ठीक है, ख़रीदना मतलब हम उसे क्रय कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में बोल भी दूंगी आपको। क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका ₹1960, कह रहा है कि 1862 में बेचा, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है आपका 1862। दोनों में से बड़ा कौन सा है, विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बड़ा है मतलब कि हानि हो रही है। आपको देखो क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। अगर मान लो सिर्फ ये पूछ दे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, तब थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे हानि पूछा है मतलब कि हानि ही हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन अगर ये पता नहीं है आपको तो पता कैसे करेंगे। हानि का होता है फॉर्मूला यानी लॉस, जिसे लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ लॉस। इसका फॉर्मूला होता है आपका क्रय मूल्य, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको कराया जा रहा है सारी चीज़ें, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब बस वैल्यू देख के आप लॉस निकाल लीजिए यानी कि हानि। 1960 में से आप उसको माइनस करिए 1862 को, तो जो बचेगा यानी कि 1960 में से 1862 को आप माइनस करेंगे, तो आपके पास जो बच रहा है वो है आपका ₹98। यानी कि जो हानि हो रही है वो कितने की हो रही है, वो हो रही है ₹98 की। अब आपसे लेकिन सिर्फ हानि नहीं पूछा, आपसे पूछा है परसेंटेज हानि, प्रतिशत हानि। ठीक है, तो प्रतिशत में जो हानि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब अगर यहाँ प्रतिशत लाभ पूछता तो क्या होता, हानि पूछे या लाभ पूछे, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, अगर लाभ पूछ लेता तो हानि की जगह लाभ हो जाता, हानि पूछा है तो यहाँ हानि हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। 98 अपॉन क्रय मूल्य कितना है, 1960 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रतिशत है, प्रतिशत यानी परसेंटेज में है ये। ठीक है, या तो इसको आप ब्रैकेट में कर लेना ऐसे, तो ये परसेंटेज में है। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, ये 0-0 कट गया। अब 98 और ये 196, इसे आपको कट करना है, तो आप इसे कट कर लीजिए। देखिए 2 times चला जाएगा, 98 2 जा 196, और ये 2 5 10, यानी कि 5% की हानि होगी। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ऑप्शन पहला दिया था 4%, दूसरा आपका था 5%, तीसरा 6%, और चौथा 7%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और इस तरह से जब भी आपका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से क्वेश्चन को करा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक घड़ी है जिसे 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथ में। यानी आपको घड़ी को बेचने की बात की गई है, यानी दिया यहाँ पे क्या है, आपको घड़ी का विक्रय मूल्य पता है आपको। ठीक है, आपको पता है घड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका ₹2880। आपको पूछ रहा है वहाँ पे
कि उसे कितने में बेच रहे हैं, लेकिन जब आप 2880 में उसे बेच रहे हैं तो हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है आपको 10% की, ठीक है, आपको हानि हो रही है 10% की। तो आपको विक्रय मूल्य पता है, आपको हानि पता है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे आपका, 2880 पे, ठीक है, कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, यानी क्या होगा 100/90, ठीक है। अब देख लो ये 0 कट गया यहाँ से, अब 9 से आप चाहिए तो इसे कट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो 9 3 27 और 9 2 18, यानी कि 3200, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 3200 रुपये, सीधे सीधे, ठीक है। 9 से 32 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया 3200 रुपये, ठीक। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, है ना। तो ये जो 3200 रुपये आया, ये तो क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि जो लाभ है ना, वो 5% का हो, तो विक्रय मूल्य बताना है, यानी कितने में बेचे। तो बस आप इसको यहाँ का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए इसका, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये आपको 3200 रुपये पे निकालना है आपको, ठीक है। और कितना फायदा हो रहा है, 5% का, यानी कि 105, 100 में जितने का फायदा होता है वो 100 से निकालते हैं, यानी कि 5% लाभ, यानी 100 धन 5 हो जाएगा, 10% लाभ 100 धन 10, ठीक है। और अगर हानि तो 100 में से घटा देते हैं, यानी माइनस करते हैं, तो ये 100 हो गया, ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा। अब देखो 105 और 32 गुणा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा ₹3360। आपसे पूछा क्या था, आपसे यही चीज पूछी गई थी कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। तो आपको देखो यहाँ पे 3360 जो है ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इस तरह से आपको नहीं समझ में आता है तो एक तरीका और है, ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये चीजें जो है यहाँ से हटाते हैं हम लोग। सीधे सीधे करना क्या है, आपसे कह रहा है कि जो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 2880 है। पहली बार में कितना आपको हानि हो रहा है, 10% हानि, यानी 100/90 गुणे लाभ कितने का हो रहा है, 5% का, यानी 105/100। ये 100 100 यहाँ से कट गया, ये 9 का ये 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, और फिर ये देखो 9 3 27 और 9 2 18, यानी 105/32, ठीक है। 105/32 करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹3360। तो यहाँ से भी आप इस तरह से इस आंसर को निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी करके, और या तो फिर आप वहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, तो जिस तरह से आपकी इच्छा हो आप उस तरह से कर लें, इस तरह से आंसर सेम आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आप पेपर में ज़रूर से इनको देख लेंगे, ठीक है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो थोड़ा सा देखिए, आपको इनकन्वीनियंस हो रहा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी फंस रही है, मुझे कोल्ड है अभी, तो थोड़ा सा इसको जो है इग्नोर करिएगा। तो देखो यहाँ पर आपको 1 किलोग्राम के स्थान पर बता रहा है कि वो 900 ग्राम तौलता है, यानी कि कितना कम रख रहा है, अभी इसमें 100 ग्राम वो कम तौल रहा है, ठीक है। आपको बताना है लाभ प्रतिशत। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का एक आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ, उसी तरह से कर लेना। लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, फॉर्मूला होता है त्रुटि, ठीक है, त्रुटि बटा सत्य माप माइनस त्रुटि, ठीक है, गुणे 100। और ये किसमें होता है, ये आपका परसेंटेज में होता है, क्योंकि ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला। आप सोच रहे हो त्रुटि क्या है, तो त्रुटि क्या है, जैसे पहले क्या था, 1 किलोग्राम तौल कितने रहा है, 900 ग्राम, है ना, तो कितने ग्राम कम है, यानी कितने ग्राम की त्रुटि हो रही है। भाई 1 किलोग्राम कितना होता है आपका, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम, देखो 1 किलोग्राम को जब चेंज करो तो ये होगा 1000 ग्राम, और ये तौल रहा है 900 ग्राम, तो कितने ग्राम का कमी हो गया यहाँ पे। इसको 1000 करने के लिए हमें इसमें 100 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि त्रुटि जो हो रही है वो 100 ग्राम की हो रही है, तो त्रुटि की जगह आप लिखोगे 100, सत्य माप की जगह 1000, ये 1 मत लिख देना क्योंकि वो किलोग्राम में है, 1000 ग्राम माइनस त्रुटि में फिर 100 लिखो और गुणे 100 कर दो,
बस यही सॉल्व कर लीजिए, 100 बटा 1000 में से 100 गया 900 गुणे 100, तो ये देखो ये 109 टाइम्स चला जाएगा, ये आएगा आपका 100/9। लेकिन आपको देखो आंसर जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, सभी होल नंबर में दिए हुए हैं, तो 100/9 को जब आप इसको थोड़ा रिड्यूस करोगे तो ये आएगा आपका 11 होल 1/9%। ठीक है, और 11 होल 1/9 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला आप ज़रूर से याद कर लें। ठीक है, लाभ प्रतिशत का त्रुटि का होता है यहाँ पे देखो, त्रुटि बटा सत्य माप माइनस त्रुटि गुणे 100, ये परसेंटेज होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दिया हुआ है कि आपका 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 वस्तुएं हैं, ठीक है, इनका जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये चीज समझना समझना इसमें है ना, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस और ये आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, इस चीज को समझिएगा, वरना ये चीजें बहुत ज्यादा गलती करती है। यहाँ ये मतलब कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ये 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। अब आप ये मत सोच लेना कि ये 15 वस्तुओं के साथ क्रय मूल्य दिया है तो ये 15 जो है ये क्रय मूल्य है ना, 15 क्रय मूल्य नहीं है। 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर किसके है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो ये 15 क्या है, विक्रय मूल्य हो गया, और 12 कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब ये बड़ा है 15, सेलिंग प्राइस बड़ी है यानी कि लाभ होगा। ठीक है, ये होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 - 12 यानी कि ₹3 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत, तो ऊपर लाभ हो जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य ही रहेगा गुणे 100। लाभ कितना है, 3 है, क्रय मूल्य कितना है, 12 है, गुणे 100 यानी कि 3 4 12 होता है, और ये 4 2 8 4 5 20 यानी कि 25% का लाभ होगा। कितने का होगा आपका, 25% का लाभ होगा, और ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वो दिया हुआ है 25%। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए डाउट मत रहिएगा, ये एकदम ऐसे ही होगा, इसे ऐसे ही करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका दिया हुआ है कि 3 क्रमांगत बट्टों यानी कि 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो या तो पहले तो सपोज कर लो कि जो यहाँ पर जो है किसी वस्तु का कोई जो मार्क्ड प्राइस है यानी अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये, तो क्योंकि आपको अगर पता रहेगा ना वो अमाउंट, तो आप उस पे परसेंटेज निकालने में आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज मान लेना कि जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य, ठीक है, बट्टा जो है देखो किस पे निकालते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं यानी कि अंकित मूल्य पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि जो मार्क प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये पे ही निकाल लो सपोज करके, सही रहेगा, जो वो है आपका ₹100 है। अब ये तीनों बट्टे यानी तीनों परसेंटेज जो है आपके, तीनों परसेंट जो है आपके, है ना, 70 आपका है, सॉरी 30 है, 20 और 5 है, इन तीनों को बस आपको क्या करना है, इस 100 रुपये पे लगा देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसी अंकित मूल्य में से उसे घटा देंगे उस वैल्यू को, वही आपका जो है क्या हो जाएगा, पूछ रहा है बट्टा, पूछ रहा है मैं, एक तरह से देखो छूट है ये 30%, 20%, 5%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य यानी इतनी छूट हो जाएगी तो फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका 100 पर, देखिए 30% छोड़ा कितना आया 70%, इसका 20 छोड़ा तो ये आया आपका 80%, और 5 छोड़ दिया तो आया 95, है ना, प्रतिशत में है बटा 100 कर लिया। अब ये पूरा 100 कट कर दो, 0 0 ऊपर वाले जो है यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ 100 बच रहा है आपका। अब इस 100 को कट करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो 5 से पहले कर लो, देखो 5 1 5 5 9 45 और ये 20, 4 2 8 4 5 20। अब ये कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो आप देख लो यहाँ पे, ये आपका 14 × 19/5। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए,
तो ये सॉल्व करने पे जो है, या तो यहाँ से इसे चाहो तो ये 5 to 10, 5 के 42.8 आप इसे कर लेंगे, और फिर 2.8 को 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹53.20। ये अभी आंसर नहीं है, अगर इस तरह का कोई भी आंसर आपको ऑप्शन में मिले तो आप नहीं टिक करेंगे। ये सिर्फ निकला है विक्रय मूल्य, अभी आपको निकालना है यहाँ पे समतुल्य बट्टा। तो जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना हो जाएगा, जो आपने अपना माना है यहाँ पे अंकित मूल्य, उसमें से ये वैल्यू आप माइनस करेंगे, ठीक है, 53.20। उसके बाद से जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 46.80, ठीक है, 46.80 ये रुपए है आपके, ठीक है, 44.80। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ऐसे ही निकालना है। आप सपोज कर लेंगे अंकित मूल्य एक, विक्रय मूल्य निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपको अंकित मूल्य से उस वैल्यू को माइनस करनी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु को ₹1754 में बेचने पर, ठीक है, उतना ही लाभ मिलता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, यानी दोनों कंडीशन में उसे बेचा जा रहा है। आपको बताना है वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ठीक है, आपको बताना है वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि आप वो लागत मूल्य से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो आप क्या समझ रहे हैं, वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य समझिए, ठीक है। आप एक बार सपोज कर लीजिए कि माना जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹X है, सिंपल है। अब सिर्फ इतना ही करना है कि देखो, जो क्रय मूल्य X मान लिया तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, भाई दोनों विक्रय मूल्य है ना, दोनों तो बेच रहे हैं उसे हम। तो जब क्रय मूल्य आपका X है तो देखो पहली बार पे लाभ प्राप्त हो रहा है, और लाभ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, देखो यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ का फॉर्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, 1754 है, 1754, और क्रय मूल्य क्या है, X। अब कह रहा है कि दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे इतने में बेचने पर, तो ये इक्वल है कितने से, इसके। तो अब यहाँ देखो बेचने पर हो रही क्या रही है, यहाँ हानि हो रही है, और हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, X, और विक्रय मूल्य 1492 बस। अब X को इधर ले आना या उधर ले जाना तो ये 2X हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका देख लो 6 और 9 5 14 4 और ये 32, 3 2 4 6। एक्स की वैल्यू निकाल लेना 1623, और यही जो है आपका क्रय मूल्य यानी वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने देखो यहाँ से यही ली थी। तो ये हो गया आपका ₹1623, यानी कि ₹1623। अब देखो 1623 ऑप्शन में आपका पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे 1623 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये एकदम करेक्ट वन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो जब भी रेशियो वाली बात आती है तो आपको पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है, तो साथ में एक आप जो है इसके वैल्यू लगा देते हैं और इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य, ठीक है, अनुपात में दिया है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 20x और विक्रय मूल्य कितना हो गया 21x। लेकिन ये ध्यान देना कि ये मूल्य है तो ये रुपए में होगा, ठीक है, यहाँ पे भी इसको रुपए कर लो साथ में, बस खत्म, इतना ही करना था। अब सब कुछ आप कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ निकाल लो पहले, लाभ कितना है, लाभ आपका होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 21x, क्रय मूल्य कितना है 20x, लाभ कितना हो गया ₹X, लाभ कितना हो गया ₹X यानी कि 1x, ओके। चलो अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, फॉर्मूला अपना वही पुराना वाला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ कितना है x है, क्रय मूल्य कितना है 20x है गुणे 100। अब देखो x x कट गया और ये 20 5 100, यानी कि 5% यहाँ से इसका आंसर आएगा। अब देख लो 5% जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ गिवन है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरह का जब भी आपका क्वेश्चन पूछे रेशियो वाला, तो आपको सबसे पहले इसको अलग अलग जो है लिखना है, उसके बाद से आप उसका लाभ या हानि जो भी पूछ रहा है उसको कर लेंगे। अब देखो इसमें मेन चीज जो लाभ और हानि में होता है ना, वो होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं बताती भी जा रही हूँ साथ में साथ में, अगर आप टेलीग्राम जो ग्रुप में होंगे तो मैंने वहाँ पे पूरा फॉर्मूला भी पोस्ट कर दिया था, आपको वहाँ से सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है? क्रय मूल्य पता नहीं है, सपोज कर लेंगे क्रय मूल्य X रुपये है, ठीक है? मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ₹1 है। अब कह रहा है कि उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो अगर 20% प्रॉफिट पर बेचा गया यानी कितना हो गया, 120%, यही तो हुआ ना। जो कह रहा है क्वेश्चन वही करते चलो। प्लस क्यों किया है, क्योंकि प्रॉफिट हो, सॉरी एक सेकंड रुकना, ये मैंने यहाँ प्लस कर दिया है भाई, ये 100 + 20 है, ये गलत लिखा मैंने। चलो हाँ चलो, एक्स क्रय मूल्य है, इसका परसेंट निकाला 20%, यानी कि 20% लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है किसमें हो रहा है, 100 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। सेकंड कह रहा है उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि 60 रुपये अधिक कब प्राप्त हो रहे हैं, जब ये जो है इसे बेचा जा रहा है 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक, यानी कि माइनस एक्स का ये क्या हो रहा है, 20% हानि, यानी 100 - 80। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, जब हानि कहे तो 100 में से घटा कर लिखते हैं, जब वो लाभ कहे तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स का 120% माइनस एक्स का 80%, ये होगा आपका 80 के बराबर, सॉरी 60 के बराबर। अब देखो इसे कट कर लेना नहीं चाहना तो, यहाँ पे डायरेक्टली देखो ये 120x और 80x, ये 40x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 × 100, और ये 4 से ये देखो 0 0 कट ही गया है, और ये देखो 4 2 8, 4 5 20, और x की वैल्यू आ गई 6 5 30, यानी कि 150। x की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई है 150 रुपये, और x आपने क्या सपोज करा था, आपने x को सपोज करा था कि जो x है वो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है, 150 रुपये है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर। देखो कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, बस सिर्फ क्वेश्चन की जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वही आपको समझना है, बाकी सारी चीज़ें आपके आराम से हो जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो आराम से करेंगे इसमें एक चीज समझ के। तो देखो कुल टॉफी कितनी है, 12 है, आपको पता है कुल टॉफी जो है वो आपकी 12 है, ठीक है? देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 1 रुपये की 12 टॉफी, विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये, भाई 1 रुपये की 12 टॉफी है तो 1 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। हानि कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना, तो क्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य पता ही है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 100 upon, और 20% की हानि हो रही है यानी 80, और सॉरी विक्रय मूल्य कितना है, 1, तो ये कितना हो गया आपका, 10/8, या आप कह सकते हैं 5/4, ठीक है, ₹5/4, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि आपको जो लाभ चाहिए वो कितना चाहिए, 20% चाहिए, ठीक है ना, जो लाभ चाहिए आपको, ठीक है, ये कितना है, 20%। तो अब आप जब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, जो कि क्रय मूल्य पता चल ही गया है, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य में जस्ट क्रय मूल्य का उल्टा हो जाता है, 20% लाभ है यानी कि 120/100 इंटू जो आपका क्रय मूल्य है, कितना आया, 5/4, सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 30 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ से 20 हो जाएगा, और ये 0 0 कट जाएगा, तो विक्रय मूल्य आ गया ₹3/2। आपसे पूछा है अब कि 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, तो कुल टॉफी कितनी है भाई, 12 है, कुल टॉफी आपकी 12 है, तो 3/2 रुपये में वो कितनी टॉफी बेच रहा है, रुपये
तीन बटा दो में बेचेगा 12 टॉफी। भाई विक्रय मूल्य हमारा जब ये आया तो 3/2 रुपए में वो बेच रहा है 12 टॉफी, ठीक है। तो एक में कितनी टॉफी बेचेगा? रुपए एक में ही पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 12 × 1/3/2, यानी कि 12 × 2/3, 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8, यानी कि 8 रुपये यानी कि वो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा? तो 1 रुपये में वो बेचेगा 8 टॉफी। क्लियर है यहाँ से? ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम करेक्ट है। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी करें तो इसी तरह से करें, आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। आराम से एक एक स्टेप समझ करके, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, ठीक है। आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले तो देख लो। आप इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप सिंपली, आपको देखो क्रय मूल्य निकालना है। सपोज कर लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, रुपये एक्स है। आपको दिया हुआ है कि 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो 1/5 भाग यानी क्रय मूल्य का 1/5 भाग, तो हानि कितनी की होती है, हानि होती है आपका ₹x/5। भाई यही कह रहा है सिंपली, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, आपको पता है कि हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना होता है। हानि इज इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि पता है x/5, क्रय मूल्य पता है x और माइनस विक्रय मूल्य। तो जो यहाँ से विक्रय मूल्य आएगा, ये देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x - x/5, या आप इसे लिख सकते हैं ₹4x/5। क्रय मूल्य पता है आपको, देखो यहाँ पे x ये आपने सपोज करा है, विक्रय मूल्य पता हो गया है 4x/5। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि 8,000 में बेचने पर, यानी 8,000 में बेच रहा है तो ये भी तो विक्रय मूल्य है ना, और यहाँ भी ये विक्रय मूल्य है, यानी कि जो ये वैल्यू है ये 8,000 के इक्वल हो जाएगी सिंपल। अब ये कट कर दो, ये हो जाएगा 2,000 और ये को एक्स से जो वैल्यू आएगी रुपये कितनी हो जाएगी, 10,000। एक्स की वैल्यू 10,000 है और एक्स क्या है, एक्स हमारा है क्रय मूल्य, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो 10,000 रुपये हो जाएगा, और 10,000 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और देख लो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन होती जाए, और इसी तरह से नंबर चेंज करके जो है क्वेश्चन कर भी सकते हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रेलवे में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और लेखपाल में भी। क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ईजी नहीं कराए जा रहे हैं, ताकि अगर पेपर थोड़ा हाई लेवल का भी बने तो आप उसे कर सकें। तो इसके बाद से हम लोग अभी भी कुछ क्वेश्चंस और प्रॉफिट एंड लॉस के हैं जो करेंगे प्रैक्टिस में, एक क्लास इसकी और होगी ताकि आपके ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर आपसे बस यही कहना है कि प्रिपरेशन करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते, टेक केयर एंड बाय।